नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं हिंदी टिप धीरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और आपको वीडियो एडिटिंग जरा सी भी नहीं आती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी रहेगी, तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको बताऊँगा साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के बारे में। ये एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ही आसान है और दोस्तों एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बगल वाला घंटा जरूर दबाइएगा, जिससे अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है और नीचे जो है एस्पेक्ट रेटियो सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यही रखूँगा और ओके। अब दोस्तों ओपन होने के बाद आपके मोबाइल पर जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उन सभी के फोल्डर इस तरह से दिखाई देंगे आपको और ऊपर देखिए बगल में ऑप्शन मिलता है इमेज का। यहाँ पर आपके मोबाइल पर जितने भी इमेज पड़े हुए हैं वो सभी फोल्डर आपको इस तरह से दिखाई देंगे और बगल में ऑप्शन है म्यूजिक का। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी MP3 सॉन्ग वगैरह पड़े हुए हैं वो सभी फोल्डर यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन पर। अब दोस्तों जो वीडियो हमको एडिट करनी है जाते हैं उस वाले फोल्डर में और वहां से कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने वीडियो पर क्लिक किया और यहाँ पर प्लस का निशान बन गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्लस पर और दोस्तों वीडियो देखिए यहाँ टाइमलाइन पर आ गई है इस तरह से। अब दोस्तों ये वीडियो कितनी देर की है, इसका टाइम क्या है, तो देखने के लिए आप सिंपली अपने फिंगर से इस तरह से करें और जाएं वीडियो के लास्ट में। देखिए नीली लाइन जहाँ पर है यहाँ पर वीडियो का टाइम दिखा रहा है, ये वीडियो लगभग 3 मिनट की है। तो दोस्तों अब दोस्तों आपको इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप टाइमलाइन का जूम कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप फोटो का जूम कम ज़्यादा करते हैं उसी तरह से आपको दोनों फिंगर से इस तरह से करना है और टाइमलाइन का जूम ये देखिए कम हो रहा है। ये देखिए वीडियो यहाँ पर 3 मिनट की दिखा रहा है, तो आप इस तरह से टाइमलाइन का जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो है टाइमलाइन का जूम बढ़ा लेता हूँ ताकि वीडियो एडिटिंग करने में आसानी हो। अब दोस्तों बात आती है आप वीडियो को कट कैसे करेंगे। मान लीजिए वीडियो का कोई पार्ट आप डिलीट करना चाहते हैं, चाहे वो शुरुआत का हो या फिर आखिरी वाला पार्ट हो या फिर कहीं बीच का पार्ट हो, तो आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ये जो गोला बना हुआ है हरे कलर का, इसको आप जितनी दूर तक ले जाएंगे उतनी दूर तक वीडियो कट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लाके इस तरह से छोड़ देता हूँ। ये देखिए वीडियो जो है कट हो गई है। इसी तरह से आप लास्ट वाला पार्ट कट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप कहीं बीच का पार्ट कट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको जहां पर कट लगाना है वहां पर ले जाएं वीडियो को और ये नीली वाली लाइन जहां पर रहेगी वहां पर वीडियो का कट लग जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर वीडियो कट करना चाहता हूँ, सिंपली वीडियो पर क्लिक कर दूंगा और देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बगल में कैंची जैसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर कट लग गया है। अब कितनी दूर तक आपको वीडियो डिलीट करनी है वहाँ पर ले जाएं नीली लाइन को और वीडियो पर फिर से क्लिक करें और फिर से यहाँ कैंची वाले पर क्लिक करें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दो कट लग गए हैं, दो डिब्बे बने हुए हैं काले कलर के। अब दोनों डिब्बों के बीच में मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ इस तरह से, देखिए ये वीडियो बिल्कुल अलग हो गई है। अब अगर मैं यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो वीडियो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए वीडियो डिलीट होकर छोटी हो गई है। अब दोस्तों अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कहीं गलत कट हो जाता है, तो उसको आप वापस कैसे कर सकते हैं, अंडू कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करें इस तरह से, फिर से क्लिक करें। ये देखिए जितनी बार आप क्लिक करेंगे आपकी वीडियो वैसे हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए वैसे ही हो गई है, मैंने कट लगाया था। अब दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो में आवाज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, वीडियो रोटेट करना चाहते हैं या फिर स्पीड बढ़ाना है या फिर क्रॉप करना है और वीडियो को रिवर्स करना है, वीडियो का कंट्रास्ट ब्राइटनेस कलर वगैरह सेट करना है, तो ये सभी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप वीडियो पर क्लिक करें और बगल में ऑप्शन आ जाएगा पेंसिल जैसा, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, वॉल्यूम रोटेट कलर स्पीड फ्लिप स्क्रीन स्मूथर क्रॉप डुप्लीकेट रिवर्स, तो आप यहां से इतनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्लिक करता हूं यहां वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर और देखिए यहां पर इस तरह से ऑप्शन खुलने के बाद यहां से आप वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है ऑडियो मिक्सिंग। अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो अपनी ऑडियो को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये नीचे फेड इन फेड आउट किया है, तो अगर आप फेड इन ऑन करते हैं तो आपकी वीडियो जब भी प्ले होगी तो वीडियो की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और फेड आउट करने पर आपकी वीडियो जब ख़त्म होगी तो आवाज़ जो है धीमे धीमे कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप फेड इन फेड आउट का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है रोटेट, आप अपनी वीडियो को 90 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, वीडियो आपकी घूम जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है कलर, अगर मैं यहाँ कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे फिल्टर पहले से बने हुए हैं, अगर मैं किसी पर क्लिक करता हूँ तो वीडियो का कलर वैसे ही हो जाएगा, ये देखिए। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ ओरिजिनल पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए तीन लाइन बनी हुई है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रास्ट इस तरह से सेट कर सकता हूँ, ये देखिए कलर वगैरह। तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर लाइट कम है तो आप लाइट बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों नीचे ऑप्शन मिलता है WB, ये क्या है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप टिंट कलर टेम्परेचर इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कर देता हूँ बैक, अंडू कर देते हैं इसको, फिर से वीडियो पर क्लिक करते हैं, जाते हैं पेंसिल वाले आइकन पर। अब दोस्तों चौथा ऑप्शन है स्पीड, आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो जल्दी जल्दी चलने लगेगी। और पांचवा ऑप्शन है फ्लिप, आप वीडियो को फ्लिप कर सकते हैं, अगर आपकी वीडियो दाहिनी तरफ है तो आप उसको बाईं तरफ कर सकते हैं, फ्लिप हो जाएगी वीडियो क्लिक करते ही। और छठा ऑप्शन है स्किन स्मूथर, आप स्किन स्मूथर का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों सातवां ऑप्शन है क्रॉप, तो दोस्तों आपको क्रॉप पता ही होगा, जैसे फोटो की कटिंग करते हैं फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, उसी तरह आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों आठवां ऑप्शन है डुप्लीकेट, आप अपनी वीडियो की डुप्लीकेट बना सकते हैं। और नवा ऑप्शन है रिवर्स, आप अपनी वीडियो को उल्टा चला सकते हैं अगर आप रिवर्स पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई इफेक्ट लगाना है तो वो आप कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया यहाँ पर देखिए बहुत सारे इफेक्ट आ गए हैं, तो यहाँ से मैं किसी इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ इस तरह से, देखिए यहाँ पर प्लस और प्ले का आइकन बन गया है। तो फिलहाल मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से काम करेगा। तो बैक आ जाते हैं और यहाँ प्लस वाले पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो गया, प्ले करके देख लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो जो है जल्दी जल्दी जूम हो रहा है और जूम कम हो रहा है, तो इस तरह से इफेक्ट लग गया है। अगर आप कोई दूसरा इफेक्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आगे कट लगा दें और दूसरा इफेक्ट अप्लाई कर लें। तो फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ इस तरह से। अब दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो में ट्रांजिशंस इफेक्ट लगाने हैं तो वो आप कैसे लगाएंगे, जैसे वीडियो घूम कर आती है या फिर वीडियो टेढ़ी होकर आ रही है, तो इस तरह के इफेक्ट आप कैसे लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं वहाँ पर आपकी नीली वाली लाइन होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, सिंपली वीडियो पर क्लिक करूँगा और ये कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए कट लग गया है, एक काला काला डिब्बा बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह से, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे, ये देखिए। तो अब आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली उस पर इस तरह से क्लिक करें, यहाँ पर भी प्ले और प्लस वाला आइकन आपको मिल जाता है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये वाला इफेक्ट काम करेगा, चलिए यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करते हैं, देखिए ऐड हो गया, प्ले वाले पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब आप जितने भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं सिंपली वहां पर कट लगा दें और एफएक्स है या फिर ट्रांजिशन इफेक्ट है इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूं इस तरह से। अब दोस्तों अगर आप कोई दूसरी वीडियो लाना चाहते हैं या फिर फोटो या फिर MP3, तो वो आप कैसे लाएंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ बगल में दो ऑप्शन मिलते हैं और ये दोनों ऑप्शन अलग अलग तरीके वर्क करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं, देखिए क्लिक किया। अब दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ से कोई फाइल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ये वीडियो ले लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से क्लिक किया और ऐड कर लिया। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ है, ये जो पहले वाली वीडियो थी उसके लास्ट में जाके ये वाली वीडियो जुड़ गई है, तो दोस्तों वीडियो जो है लास्ट में आ गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो इसी वीडियो के नीचे ऐड करना चाहते हैं, दो वीडियो एक साथ चलाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ये दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो लेयर के जैसा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप टाइटल, वीडियो, इमेज, स्टिकर इतनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल करता हूँ इमेज वाले पर क्लिक और यहाँ से कोई फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए फ़ोटो आ गई है, अब इस फोटो को आप इस तरह से अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और जहाँ पर आपको लगानी है इस तरह से आप सेट कर लें। और कितनी देर तक आपको ये फ़ोटो दिखानी है इस तरह से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाएं इस तरह से, और यहाँ से अगर आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं वीडियो पर क्लिक करें और यहाँ से कोई भी वीडियो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए मैंने वीडियो पर क्लिक किया और ये वीडियो देखिए यहाँ नीचे आ गई है लेयर पर, ये देखिए इस तरह से आप वीडियो को भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप वीडियो सेट कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर आप इस वीडियो की MP3 बनाना चाहते हैं तो सिंपली वीडियो को पकड़ें और नीचे छोड़ देंगे तो ये MP3 में कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ आवाज़ आएगी, वीडियो नहीं आएगी। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। फिर से चलते हैं लेयर वाले ऑप्शन पर और दोस्तों ये टाइटल स्टिकर क्या है, तो चलिए टाइटल पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ से आप टाइटल वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने क्लिक किया, ऐड कर लिया, तो यहाँ पर देखिए टाइटल जैसा आ गया, ये पहली बार आपको दिखाएगा। इस तरह से आप यहाँ टाइटल का नाम वगैरह डाल सकते हैं। मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप टाइटल वगैरह भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो सेव करनी है तो सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं ताकि बाद में आप एडिटिंग कर सकें। और अगर आप रेंडर करना चाहते हैं वीडियो को, सिंपली यहाँ प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करें। अब आपसे यहाँ से पूछेगा आप वीडियो को सेव करना चाहते हैं गैलरी में या फिर फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर शेयर करना चाहते हैं, तो जो मर्जी आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं करूँगा यहाँ सेव टू गैलरी और यहाँ से आपसे पूछेगा HD, Full HD या फिर HD, कौन सी क्वालिटी में आप वीडियो सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से Full HD रखूँगा और प्रोड्यूस क्लिक किया और ये वीडियो रेंडर होने लगी है। तो दोस्तों जितनी बड़ी वीडियो आपकी रहेगी उतना टाइम लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बगल वाला घंटा जरूर दबाइए, जिससे अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।